कल था लिरिसिस्ट शब्बीर अहमद का मैरिज रिसेप्शन, जहां पहुंचे हूज एंड हू ऑफ बॉलीवुड एंड इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री। वेल, इस इवेंट पर पहुंचे मिका, सोनू सूद, अनु मलिक, सुनील शेट्टी, बप्पी लहरी, हिमेश रेशमिया, विवेक ओब्रॉय जैसे कई सेलिब्रिटीज और सभी ने शब्बीर अहमद को किया विश। ढेर सारा प्यार और शब्बीर घर बसाने जा रहे हैं, तो सबसे बड़ा तोहफा तो मेरे भाई को ऊपर वाले ने दिया है। इतनी खूबसूरत बीवी, हम लोग मजाक उड़ाते हैं उसका बार बार, कहाँ से मिली भाई तेरे को? अच्छी है, बहुत प्यारी है मेरी छोटी बहन, और शादी हो रही है दोनों की। आई एम रियली रियली हैप्पी। उनको बहुत बहुत मुबारकबाद उनकी शादी पे, और बस हमेशा कामयाब रहें और हमारी दुआ उनके साथ है। एक्सीलेंट राइटर एंड बस उनका शादी है, मैं मुबारकबाद देने के लिए आया। पापा नहीं है, मैं आया। बहुत बहुत बधाई। इसके साथ साथ आए हुए सेलिब्रिटीज ने शादी को लेकर मीडिया में कई सारी फनी बातें भी की। मैं तो इनफैक्ट अभी शब्बीर से थोड़ी देर पहले बात हुई थी, मैंने बोला कि अभी भी अगर टाइम है बच के निकल सकते तो निकल जाओ, तो कह रहा यार हो गई अभी तो शादी, तो मैं उसे यू नो संभावना देने आया हूँ। कोई बात नहीं, शादी होगी, अभी बच के चलते रहो यार, अभी कुछ हो गया तो अभी कुछ नहीं कर सकते। फ़ायदा बीवी को होता है, नुकसान हस्बैंड को होता है। शादी में फ़ायदा ही फायदा है। Well, इस इवेंट में हमें एक इंटरेस्टिंग मोमेंट भी देखने को मिला, जहां विवेक ओब्रॉय ने अपने एक फैन को देखिए कहां और कैसे करके दिया ऑटोग्राफ। Well, इवेंट की एक और हाईलाइट थी कि यहां फोटोग्राफर्स ने बप्पी लहरी को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। वजह ये थी कि बप्पी लहरी ने अपने बेटे की शादी मीडिया को खास कवर करने नहीं दी। एनीवे, तो कुछ इस तरह रखी गई थी एक शाम लिरिसिस्ट शब्बीर अहमद के रिसेप्शन के नाम। और हार्दिक तन्ना, Zoom, Mumbai.